राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल पर 100 डे रनिंग चैलेंज के थर्ड एडिशन की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है और इसी के तहत चैलेंजेस स्वीकार करने वाले प्रतिभागियों को प्रतिदिन कम से कम 2 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। इस कार्यक्रम में इस बार 500 से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज 100 डेज रन चैलेंज शुरू हो रहा है जयपुर में, हम लोगों ने भी इसे एक्सेप्ट किया है। इस बार जयपुर से बहुत से लोगों ने इस 100 डेज ऑफ रनिंग चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, जिसमें एक अपने को डेली कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ना है लगातार 100 दिनों के लिए। मैंने पिछले साल भी ये चैलेंज किया था, जिसमें मैंने 1111 किलोमीटर करे थे 100 दिनों में 1111। इस साल भी मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, इस बार भी मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ। और इस बार जयपुर से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं 100 डेज रनिंग चैलेंज में। कारण ये कि इस बार लोगों में फिटनेस के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है। पिछली बार करीबन 200 लोग थे, इस बार 250-300 लोगों ने रजिस्टर कराया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक 100 डेज रन चैलेंज सबसे बड़ी बात नियमितता के लिए एक इंसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लगातार 100 दिन आपको कुछ करना है, काफ़ी मोटिवेशनल है ये 100 डेज रन। मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया, लास्ट ईयर इन्होंने कंप्लीट किया था पूरे 100 डेज। इस बार मुझे भी पूरे जोश के साथ मैं आई हूँ और मैं भी पूरे 100 डेज कंप्लीट करना चाहती हूँ। यहाँ पे माहौल देखने लायक है और सब लोगों को भागते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग अपने हेल्थ के प्रति कितने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। ये जो जैसा विष्णु जी ने बताया 100 डेज का जो प्रोग्राम है, ये आपका रनिंग रूटीन सेट करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है और इसके बाद जो रन्स होती हैं उसके लिए भी, इसकी तैयारी करने के लिए भी ये बहुत मददगार है। मैंने पिछले साल भी पूरे 100 दिन पूरे किए थे और अब की बार मेरी वाइफ है रितु, इनको भी इसमें एनरोल कराया है। हम दोनों मिलकर अब की बार पूरे 100 दिन रन करेंगे और इसका चैलेंज को पूरा करेंगे। ये थर्ड एडिशन अपना 100 रन का चालू हो रहा है आज से, यानी ये 27 पूरा ऑल वर्ल्ड में होता है, राजस्थान में भी होता है, ऑल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक सा होता है। ये तीसरा एडिशन है, पिछली बार जो हुआ था पहला उसमें हम जयपुर के 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद 250 लोग हुए और अब तो 500 से ऊपर गए रजिस्ट्रेशन का। और खाली मोटिवेशन यही होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हेल्थ के लिए अवेयरनेस हो। इसके अंदर 2 किलोमीटर रोज दौड़ना पड़ता है और जितना आप चाहो कर सकते हो। इसी को मतलब रखते आयोजन हर साल होता है, लेकिन अपने जयपुर में 30 दिन हो रहा है इस बार एडिशन। कहीं भी कर सकते हो आप, ये इसकी जगह की कोई लिमिट नहीं है, आप जयपुर में कहीं भी कर सकते हो और जहाँ बाहर भी हो तो बाहर भी कर सकते हो, लेकिन 2 किलोमीटर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।